हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भव्य शर्मा एंड आई हैव गॉट 18th रैंक इन सीए इंटर एग्जामिनेशन मे 2024 एंड आई हैव गॉट 89 मार्क्स इन अकाउंट्स। सो टुडे आई विल टेल यू माय स्ट्रेटजी दैट आई हैड फॉलोड टू गेट सच अ गुड मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज दैट मैंने पढ़ा कहाँ से था। तो पढ़ने का तो देखो ऐसे मॉड्यूल से ही पढ़ा था मैंने, बाकी जो वीडियो बनाए थे उसमें भी यही बोला था और इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि मैंने ऐसे के मॉड्यूल के अलावा कहीं और से नहीं पढ़ा। ऐसे के मॉड्यूल के अंदर अब की बार जो नए मॉड्यूल आए थे उसके अंदर कई सारे नए क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को उन्होंने ऐड करा था, तो उसके कारण मोस्टली जितनी भी थ्योरी उनमें कवर थी तो उसके क्वेश्चन बना के उन्होंने दे रखे थे। तो हर तरीके से जैसे जैसे वो क्वेश्चन बना के दे सकता था वैसे वैसे उसने क्वेश्चन बना के दे रखे थे एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन के अंदर ही। तो एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई कि अकाउंट्स के अंदर कई सारे एएस ऐसे हैं जो कि प्योर थ्योरिटिकल है, उसके अंदर मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन बिल्कुल ही एक आधी होगा। तो उस केस के अंदर मैंने ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल को बिल्कुल सारी लाइन अच्छे से रट के चले गया, उसको मैंने पहले अच्छे से समझा कि ऐसा क्यों करा कैसे करा, और उसके बाद उसको मैंने ओन लैंग्वेज के अंदर ही लिख के आया हूँ मैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसा नहीं कि एज इट इज लाइन टू लाइन आपको पढ़ के जाना है, आप अगर मेन क्रक्स भी दे दोगे उसको, अगर आप 10 लाइन का पैराग्राफ आप 2 लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन कर देते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं उसके अंदर, तो ज्यादा लिखने की नीड नहीं होती। और यही बात है कि कुछ थ्योरिटिकल, मैं आपको बताया कि मोस्टली थ्योरिटिकल को कवर कर रखे हैं उन्होंने प्रैक्टिकल में, लेकिन जो कुछ बच गया है उसको एक बार आपको बुक से थ्योरी से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय चांस उस थ्योरी को उसने पॉइंट कर लिया, टारगेट कर लिया और इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया तो आपसे आपसे क्या किसी से ही होना बहुत मुश्किल है, जो पढ़ के जाएगा वो कर पाएगा। तो ये चीज याद रखने की चीज है एक। उसके अलावा अपने पास मैंने जैसे कि VSI मॉड्यूल भी सॉल्व करा था, तो VSI मॉड्यूल के अंदर भी लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे ICI मॉड्यूल में है, तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं था। तो मेन चीज यही है कि अपन ICI के मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ ले, उसको ही अच्छे से तैयार कर ले, थ्योरी वाली AS को आप बुक से कर ले तो और बहुत बढ़िया चीज है। वैसे रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरिटिकल अकाउंट्स के अंदर, तो मोस्टली जो अपने आते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाते हैं। उसके अलावा मैंने हमारी फैकल्टी ने जो हमें नोट्स लिखवाए थे क्लास के अंदर या जो समझाया था उसको, मैं नोट्स को मैंने कॉपी भी करे थे लेकिन नोट्स को मैंने एक बार ही पढ़ा था, एक बार ही सबसे अच्छे से पढ़ लिया था जिससे कि मेरा एक बार कवर हो गया था। मैंने नोट्स के साथ ही बुक बुक की लैंग्वेज में लिख लिए थे, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने पढ़ाई करने स्टार्ट करी थी अकाउंट्स की, तो मैं बुक्स बुक और नोट्स को साइमल्टेनियसली लेके चलता था, और जो अपने बुक के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा दे रखी थी उसको मैं अपने नोट्स के अंदर भी ऐड कर लेता था, जिससे कि एक मेरे पास एक जगह पे सारी चीजें आ गई कि मैं मेन एग्जाम के अंदर बस एक जगह से पढ़ के चले जाऊंगा तो मेरे बुक भी कवर हो जाएगी पूरी। तो यही चीज मैंने फॉलो करी जिससे कि अपना अकाउंट्स के सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, तो मैं मानता हूँ कि वो पूरा पॉसिबल नहीं है कि अपन पूरी लाइन टू लाइन थ्योरी एक दिन पहले पढ़ के जाए, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि एक आपके जो फैकल्टीज ने नोट लिखवा रखे उसको एक बार आप पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लो और बुक से एक बार मैच करते हुए चलो जब फर्स्ट टाइम आप पढ़े, तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपके पास लर्निंग के लिए जो पोर्शन है वो बस उतना ही होगा जितना आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा या इररिलेवेंट पोर्शन नहीं होगा। उसके अलावा सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स मैंने कई बार देखे बच्चे छोड़ जाते हैं कि एग्जाम्पल ही तो है, लेकिन एग्जाम्पल अपन को करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कई सारी चीजें हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ आती है, तो एग्जाम्पल फॉलो करने हैं, इलस्ट्रेशंस भी सारे करने हैं, और जैसे कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी मैंने सारे क्वेश्चंस अपने हाथों से सॉल्व करे हैं। पहले जब मेरी क्लासेस चलती थी रेगुलर क्लासेस के अंदर हमारे फैकल्टी जो हमें होमवर्क देते थे
वो भी मैं सॉल्व करता था। उसके अलावा आईसीए के मॉड्यूल के मैं सारी क्वेश्चंस अपने हाथों से सॉल्व कर रहे हैं सारे, जिससे कि एक बार मेरे को ये संतुष्टि मिल जाए कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अकाउंट्स में अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपन कोई किसी क्वेश्चन में कोई अलग कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो अपन वो भूल जाते हैं कि इसमें ये लगना था या कुछ और लगना था। इसके अलावा कई सारी चीजें अकाउंट्स के अंदर ये भी है अपन की कि कई सारे ऑल्टरनेटिव एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। तो ऑल्टरनेटिव एडजस्टमेंट जो दे रखे हैं, तो ये होता है कि आईसीए की जो मार्किंग स्कीम बनती है जिससे एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक करते हैं, तो इसके अंदर वो वही मेथड देते हैं जो कि आईसीए मॉड्यूल के अंदर जिससे सॉल्व कर रखा है। तो उसके लिए अपन को एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ वो ही एडजस्टमेंट वैसे ही शो करने हैं जैसे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर अपन को दे रखे हैं। अगर आप कहीं दूसरा एडजस्टमेंट सॉल्व कर दो, चाहे वो सही भी हो, आंसर आपका सही भी आ रहा है, तो वो मार्क्स नहीं देंगे। क्योंकि एडजस्टमेंट जो जैसी प्रेजेंटेशन आईसीआई मॉड्यूल में दे रहा है वैसी ही प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, वरना वो मार्क्स नहीं देंगे। ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट जैसे AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, AS 14 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, इन सारे चैप्टर्स के अंदर दे रखे हैं ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट जिसके ऑल्टरनेटिव बनते हैं। और इसके अलावा अपने ये मॉक टेस्ट सीरीज मैंने सारी दी थी। हमारा सिलेबस लगभग 5 5 टू 6 मंथ्स पहले खत्म हो गया था, तो हमारी 3 मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी, तो मैंने सारी मॉक टेस्ट सीरीज दी है। और मैंने कोई ऐसे नहीं है कि बाहर का कोई MTP RTP सजेस्टेड वाला कोई ऐसे पढ़े हो, मैंने सिर्फ जो बुक में दे रखा है उसको ही अच्छे से गो थ्रू करा है। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा में बस VSI के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे थे जैसे मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व नहीं करी है बाहर से। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक AS के 20 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम मैंने VSI मॉड्यूल के भी मिनिमम जितने कर सकता था मिनिमम करे हैं। जो रिपीट वाले हो रहे थे क्वेश्चंस, वो रिपीट वाले मैंने फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज में देखे, फिर अगली मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने वो भी छोड़ दिए। थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज से मैंने बस एक एक क्वेश्चन ही देखने लग गया जिसके अंदर सारे पॉइंट्स अपने कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है हर एज के एक पॉइंट देखने, एक एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, सबके मैंने जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं बस वैसे वैसे ही क्वेश्चन पढ़े हैं। और थ्योरिटिकल AS मैंने पूरे बुक से पढ़े हैं, उनको फैकल्टीज के नोट्स से भी नहीं पढ़ा, वो पूरे मैंने बुक से पढ़े हैं। और इसके अलावा अपने अकाउंट्स का पेपर ये होता है कि लेंदी आता है, तो लेंदी आता है और अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर है, और वो फर्स्ट पेपर लगभग 90% बच्चों का छूटता है, 90 से भी ज्यादा मान लो। तो ये नहीं है कि आप घबरा जाओ कि आगे के पेपर हमारे क्या हो गया, अकाउंट्स का मेरा इतना छूट गया, इतना रह गया, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, तो मुझसे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे नहीं, नियरली जितने बच्चे अपियर होते हैं एग्जाम में उसमें से लगभग 50 या 100 के आसपास बच्चे होते होंगे जिनका होता होगा पेपर, बाकी किसी के कंप्लीट होना मुश्किल होता है। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर अपनी कैलकुलेशन भी ज्यादा है और ऊपर से प्रेजेंटेशन का भी रहता है और वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो टाइम रहता है अपने पास कम। तो अगर आपका पेपर छूट भी जाता है तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर छूट रहा है आपका, तो आप जो पोर्शन छूट रहा है उसके अंदर आप जितना भी कर सकते हो उतना कर दो, उसके भी खूब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्योंकि ICAI बहुत लीनियंट चेकिंग करता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि बच्चों के मार्क्स काटने में को बच्चों को फेल करना है। उसके ICAI के जो कॉपी चेकर्स हैं उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सके बच्चे को उतने मार्क्स दे। तो ये चीज भी याद रखना, ये अकाउंट्स का पेपर क्योंकि पहला पेपर होता है, और पहला ही पेपर अगर अपना छूट रहा है या फिर पहला ही पेपर अपना बाय चांस बहुत टिपिकल पेपर आ गया, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि आगे के पेपर में क्या करेंगे, और पेपर नहीं देते कई सारे बच्चे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपके अकेले के लिए हार्ड नहीं है, आपके अकेले के लिए लेंदी नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं उन सब के लिए भी सेम है। तो इसमें ध्यान रखना, नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी, पेपर लिखते समय भी नर्वस नहीं होना,
पेपर के बाद भी नर्वस नहीं होना। और एक और टिप कि पेपर डिस्कस मत करना किसी से, अगर चार जने डिस्कस कर रहे हैं तो चार डिफरेंट ओपिनियन आने की संभावना रहती है, तो पेपर डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम के बाद आपके जब पेपर कंप्लीट हो जाए सारे 6 के 6 पेपर, उसके बाद आप आराम से डिस्कस करो चाहे कुछ भी करो। तो पेपर के समय में टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ना ही फालतू तो डिस्कशन करने की मेरा आंसर ये आया तेरा क्या आया, ये भी नहीं करना। और अपने आराम से माइंड को रिलैक्स करना है, कूल रखना है, और थोड़ी देर रेस्ट के बाद वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरे कैसे कैसे बाइफरकेशन है मार्क्स का। तो मेरे एमसीक्यू में, तो देखो एमसीक्यू में मेरे 28 मार्क्स है 30 में से। तो एमसीक्यू के लिए मैंने ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एमसीक्यू के क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करी हो या कुछ सॉल्व कराओ। मैंने जो प्रैक्टिकल में पढ़ा था, जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी ये भी याद रखना, थ्योरी से भी वो प्रैक्टिकल बना देता है। तो मैं जो पढ़ के गया था उसके अंदर से एमसीक्यू आ गए थे और मेरे ऑलमोस्ट सारे सही है, बस एक गलत था। तो ये इसमें कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो एमसीक्यू वो बनाता है, वो एमसीक्यू जो बनाता है वो मेजर जो पोर्शन है वो लगभग 15 MCQ आते हैं, 15 to 16। उसके अंदर से लगभग 12 या 13 MCQ वो प्रैक्टिकल पोर्शन पे बनाता है एज केस स्टडी, और बाकी के एक दो वो थ्योरिटिकल दे दे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 से, वो अलग बात है। तो एमसीक्यू के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, जो आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो वही सफिशियंट है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की दिखा देता हूँ कॉपी। डिस्क्रिप्टिव में मेरे को 56.5 दिए हैं, ऑलमोस्ट 57 राउंड ऑफ ओके। तो आप देखो जैसे ये पहला पोर्शन है, ये AS16 का है, बोरिंग कॉस्ट का। तो बोरिंग कॉस्ट के अंदर देखो ये हल्की सी एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, तो ये हल्की सी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी, उसको भी पॉइंट में ब्रेक करा है मैंने, जिससे कि कॉपी चेकर को समझ आए कि मैंने लिखा क्या है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन देना है, जितना स्पेस आप छोड़ सको उतनी स्पेस छोड़ के करना है। अगर आपको लगता है कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है, तो उसको भी आप साथ में दे दीजिए, जिससे कि कोई ये गुंजाइश ना रहे कहीं भी मार्क्स कटने की। तो आपको लग रहा है दो आंसर हो सकते हैं तो आप दूसरा भी कर दो, अगर आप पूरे श्योर नहीं है तो। अभी जैसे ये क्वेश्चन था, ये AS2 का था इन्वेंट्रीज का, ये जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अब वैसे तो ICAI के मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे रखा इसका, या फिर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन इसकी 3 या 4 लाइन की एक थ्योरी दे रखी है। तो उस थ्योरी के अंदर से इसने एक 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बार करती है, तो इसका भी ध्यान रखना। वैसे तो ये जॉइंट कॉस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, अगर किसी ने कॉस्टिंग पढ़ रखी हो तो कॉस्टिंग के अंदर ये पूरा अच्छे से डिटेल में कवर है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज आया है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन। कई बार ये होता है कि अपन 2 पॉइंट तक 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक भी ले लेता है वो। तो आप दोनों तरीके से कर दीजिए, दोनों तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने इसमें करा हुआ है, पहले तो 2 पॉइंट के साथ लिया है और आगे मैंने 3 पॉइंट्स के साथ लिया है। तो ऐसा कर सकते हैं। ये जनरल एंट्री का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जन एंट्रीज करनी है जिसके अंदर, तो एंट्रीज के साथ आपको नरेशन लिखना ही लिखना है। हर बार तो नहीं होता, लेकिन ICAI देता है नरेशन के आधे नंबर देता है। अगर बच्चा नरेशन नहीं लिखता तो उसके हाफ मार्क्स डायरेक्ट डिडक्ट हो जाते हैं नरेशन के। तो नरेशन आपको लिखना है और एंट्रीज बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखनी है। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, इसके अंदर जो वर्किंग नोट आपके बनाने हैं आप वो वर्किंग नोट बना दीजिए, जैसे बन रहे हैं वैसे बना दीजिए। ये AS7 का क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, ये डायरेक्ट आप देखो तो ये पूरा बुक का एक क्वेश्चन है, बुक के अंदर ईयर 1 2 3 में दे रखा है, इसके अंदर एक ईयर और डाल दिया, हल्का सा मॉडिफाई करके दे दिया, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करे इसके अंदर, एज इट इज बुक का दे दिया। कैश फ्लो का क्वेश्चन एज इट इज बुक से आ गया ये।
कैश फ्लो के अंदर भी ये याद रखना कि जो भी आप अजम्पशन ले रहे हो वो अजम्पशन को अलग से मेंशन करके आना है, जैसे मैंने इधर करा हुआ है। और हर चीज के वर्किंग नोट बनाने हैं। वर्किंग नोट में ये नहीं है कि आप कोई एक स्टेटमेंट बना के कैलकुलेशन कर दी, कई उसके अंदर ही है कि अकाउंट्स बनते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो इनके अकाउंट्स बनते हैं, उसकी स्टेटमेंट नहीं बनेगी अपन की। तो ये भी याद रखने की चीज है एक। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अकाउंट्स का पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है, मेरे साथ भी सेम हुआ था। मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, तो वो मेरा छूट गया था। लेकिन इसके अंदर भी आप देखो तो मेरे को लास्ट में इन्होंने कितने मार्क्स दे रखे हैं, लास्ट में मेरे को ऑलमोस्ट 5 मार्क्स दे दिए इन्होंने, और ऑलमोस्ट 5 मार्क्स दे दिए इन्होंने, और मैंने कुछ नहीं करा था। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी थी, मैंने कुछ नहीं करा, बस ये बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं उनको प्लस करके लिख दिया था, ऐड करके लिख दिया था। जितना हो सकता था मैं जितना कर सकता था उतना मैंने ऐड करके लिख दिया था, जितना लिख सकता था, और उसी के बेसिस में मेरे को 5 मार्क्स दे दिए। और ये शायद 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ऑलमोस्ट देख लो 1/3 मार्क्स से भी ज्यादा दे दिए मेरे को। तो मार्क्स दे देते हैं वो लोग, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और चीज है, वो क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पुटअप नहीं करता, आईसीएआई में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पुटअप नहीं होते, बल्कि वो 3-4 क्वेश्चन लेता है, उसके एक एक दो दो एडजस्टमेंट के पॉइंट लेता है, और उससे एक बड़ा क्वेश्चन बना के दे देता है। तो सारे एडजस्टमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन रट के जा रहे हो कि हाँ चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा प्रेजेंटेशन दिया हूँ, ऐसा शो कर दूंगा। आपको एडजस्टमेंट अच्छे से आना चाहिए, एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक बार कॉन्क्लूजन में एक बार कवर कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। आपको पढ़ना खास है आईसीएम मॉड्यूल के अंदर से, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट 2 ईयर्स के एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू के लिए कोई डिफरेंट जगह से पढ़ने की नीड नहीं है। आप जो प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ रहे हैं वही आपके लिए सफिशियंट है। एग्जाम में रिलैक्स रहना है, एग्जाम के समय भी, एग्जाम देते समय भी, एग्जाम के बाद भी। आपको अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, और बिल्कुल जो कामनेस, जितनी आप काम रखोगे उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा, थैंक यू।